बैठ जाओ। मिलने आई हूं तुमसे, समझो तो देखने आई हूं। बेवफाओं से जब कोई दूसरा बेवफाई करता है तो देखने में कैसे लगते हैं वो? लड़ूंगी ना तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारूंगी। बैठ जाओ, जम के दोस्तों की तरह बात करते। उस दिन वाले थप्पड़ की माफी दे दो, मुझे बाद में ख्याल आया, जिस लड़की ने अपने हाथों से अपना मुंह नोच लिया हो उसे थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? सो आई एम सॉरी। नहीं, वो तो आप मिलने आ गई हो, वरना मैं सोचा था किसी रोज मिलूंगी आपसे, आपका हाथ पकड़ के चूमूंगी और कहूंगी थप्पड़ मारने का शुक्रिया। कोई 5 महीने सोया रहे तो समझो वो जिंदा नहीं है, या फिर उसका जमीर मर चुका है। ऐसों को फिर थप्पड़ मार के जगाते हैं। कुछ पिएंगी आप या चाय कॉफी सब मिलता है? नो, नथिंग थैंक यू। तो फिर क्यों आई आप? ये पूछना बुरा साउंड करता है पर हमारा मिलना नहीं बनता था। मुझे लगा एक आखिरी मुलाकात होनी चाहिए, मैं तुमसे माफी मांग लूं, तुम मुझे माफ कर दो और मैं तुमसे पूछूं मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं। आप खुदा से कहिए वो मुझे माफ कर दे। वो तो कहूंगी, कहा भी है शायद, इसीलिए तो आई हूं। तुम्हारे जाने के बाद दीवान ने मुझे बताया कि तुम 5 महीने रही हो मेरे शौहर के साथ, और उस दिन देखा शादी कर रहा था वो तुमसे, तुम्हें लाकर मेरे बराबर खड़ा कर दिया था उसने। मुफ्त में रही हो उसके साथ, बहुत बेवकूफ हो। मैं बीवी हूं उसकी, मुफ्त में तो मैं भी नहीं रही उसके साथ। 50 लाख महीने के देता है वो मुझे, 5 महीने अमेरिका में रहूं तब भी। तो मैंने बैठ के सोचा 5 महीने बीवी के रुतबे को ऑफिशिएट किया तुमने, मेरे स्टेटस को एंजॉय किया, मेरी बराबरी की, लेकिन बराबर की तनख्वाह नहीं मिली तुम्हें। दीवान साहब, चेक दीजिए। ढाई करोड़ का चेक है ये, 5 महीने की पूरी बराबर की तनख्वाह। नहीं, पैसे नहीं चाहिए। शहवार अहमद तुम्हें नहीं मिल सकता। शौहर बीवी का मुजरिम हो जाए तो उसके साथ बाकी का वक्त अच्छा गुजरता है, इसलिए वो नहीं दूंगी। वो भी नहीं चाहिए। तो पैसे रख लो, मोहब्बत जब ऐसे मर्द से हो जाए तो वो मोहब्बत कम ख्वाहिश ज्यादा होती है, तो ख्वाहिश पूरी कर लो, वरना जो सजा तुम्हें मिलने वाली है वो पैसों के बगैर काटोगी तो सजा पूरी होने से पहले ही मर जाओगी। प्लीज जल्दी ना मरना।
तुम्हें देखकर बहुत सी लड़कियां बहुत कुछ सीख जाएंगी। फिर हो सकता है खुदा से माफी मांगने के लिए किसी दूसरे की मिन्नत नहीं करनी पड़े। दोबारा कभी नहीं मिलेंगे।